तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्टडी एटम ड्राइविंग स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरा जो ना मेरा आज है जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का फिजिकल जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। और उससे पहले भी आपको एक बड़ी अपडेट, एक लकी ड्रॉ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी व्यक्ति ऐड होते हैं, उन व्यक्ति जो ऐड हुए हैं उनमें प्रति सौ व्यक्ति पर एक लकी ड्रॉ में एक व्यक्ति को फ्री ड्राइविंग टेस्ट का यहाँ पर है वो यहाँ पे तोहफा दिया जाएगा। यानी कि जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो उनमें से एक व्यक्ति को फ्री ड्राइविंग टेस्ट उसको हम करवाएंगे। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसके माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में जैसे ही 100 कैंडिडेट होंगे, एक सदस्य का हम अनाउंसमेंट है वो टेलीग्राम चैनल पर करेंगे, कौन व्यक्ति है वो फ्री ड्राइविंग टेस्ट है वो जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिजिकल के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फिजिकल के बारे में बताना चाहूँगा, रनिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही, ग्राउंड एकदम शानदार है। मैं पिछले यहाँ पर 3 से 4 दिन में वजीराबाद ग्राउंड में लगातार स्टूडेंट्स का जो रिव्यू ले रहा हूँ उसका जो दृष्टिकोण सामने निकल के आया है उसका निचोड़ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो रनिंग में सुबह जब रनिंग करते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं आती। 14 और 17 को जब फिजिकल हुआ था उसमें काफ़ी समस्याएं लड़कों को आई थी। 18, 19, 20, 21 चार दिन जो डेट है इसमें जो रनिंग हुई है वो दिल्ली पुलिस ने ठंड में यानी कि बिना धूप बढ़ाए या बिना देरी किए रनिंग करवाने का प्रयास किया है। लगभग 9:15 बजे तक रनिंग फिनिश करने का प्रयास किया है। हालांकि एक दो ग्राउंड में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करने को मिला है। तो रनिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो गांव में कर रहा है, गांव में 7:15 में करने वाला आराम से यहां पे रनिंग कर रहा है। लॉन्ग जंप में एक पट्टा बनाया गया है, पट्टे पे पांव फिसल रहा है, चुन्ना की मार्किंग की गई है। पट्टे के जस्ट आगे एक लाइन है, उस लाइन पे पाउडर होता है, उस पाउडर की वजह से पट्टे पे भी पाउडर आ जाता है जिस कारण से थोड़ा सा फिसलने की संभावना रहती है। हाई जंप में एक भी बच्चा फेल नहीं हो रहा, रियर केस में फेल हो रहे हैं। हाइट में काफी लड़के यहाँ पे फेल हो रहे हैं, हाइट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं चल रहा है। यानी कि पॉइंटों में कुछ अगर कोई दिक्कत है तो ये दूसरी बात है, लेकिन अगर आधा इंच भी या आधा सेंटीमीटर अगर कम है तो वो भी नहीं चलता है। चेस्ट में फुल छूट मिल रही है, चेस्ट में किसी भी प्रकार का व्यवधान बीच में नहीं आता है। चेस्ट में लड़कों को नए के बराबर फेल किया जा रहा नहीं किया जा रहा है। वेट में किसी को बाहर नहीं किया गया है। प्रवेश की बात करता हूँ, जब फिजिकल देने जाते हैं तो आपका प्रवेश जो है वो सुबह 5 बजे मेन गेट जो है वो वहाँ पर ओपन कर दिया जाता है। 5 बजे से पहले जाने में कोई चांस नहीं है। वहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है, लेकिन ध्यान रखें जितने कैंडिडेट रहेंगे वो कैंडिडेट जब चले जाते हैं गेट के पास में, वहाँ से गेट ओपन होता है, आप ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको टोकन नंबर के हिसाब से तुरंत आपको बैठा दिया जाता है। फिर बच्चे जो आते हैं उनको उसके पीछे बैठाते जाते हैं और फिर ये जो 4-5 लाइनें बनती हैं उनसे आगे से स्टूडेंट्स को लेते हुए आपका जो बेच बनाकर आपकी रनिंग है वो करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो गेट ओपन होने का टाइम है 5 बजे है, तो आप 5 बजे के आसपास आप जा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। टोकन नंबर की व्यवस्था 14 को नहीं थी, 17 को भगदड़ मची जिस वजह से टोकन नंबर की व्यवस्था का यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ी। फिर से 18 तारीख को टोकन नंबर की व्यवस्था को हटा दिया गया। कारण ये था, टोकन नंबर से स्टूडेंट्स बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे जिसकी वजह से प्रॉपर बेच नहीं बन पा रहा था और बेच नहीं बन पाने से रनिंग में लेट हो रही थी। इसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने आपके हितार्थ, ये आपके फायदेमंद है, यानी मेन गेट पे भीड़ नहीं करना ये भी ठीक है, टोकन नंबर का उपयोग नहीं करना ये भी ठीक है। जो पहले आएगा लाइन में लग जाएगा, फिर उसको बेच बन जाएगा तो उसको पहला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं है, बस करते हैं आप थोड़ा सा समय पर जाएँ। यहाँ पे 4:30 से पहले कोई भी व्यक्ति न जाए, नींद खराब न करे, कोई फायदा नहीं है। बात करता हूँ ग्राउंड में पहले और पहले पाओ का सिस्टम बता दिया। भाई भतीजावाद थोड़ा सा चल रहा है, भाई भतीजावाद है, थोड़ा सा जबरदस्त चल रहा है भाई। पहले बैच में लगभग रिलेशनशिप वाले लड़के हैं वो जाते हैं, यानी कि जिनके भाई है, ताऊ है, चाचा, जीजा, जीजी जो भी है, तो साला साली कोई भी हो सकता है, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो अपने जो लोगों को हैं वो पहले बैच में यहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं। और ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ और ये सही भी नहीं है। स्टूडेंट्स का रिव्यू में ये चीज़ें सामने निकल के आ रही है, बाकी हकीकत क्या मुझे नहीं पता। फेल की बात करता हूँ तो यहाँ पर फेल भी काफ़ी बड़ी संख्या में लड़के हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ग्राउंड नंबर जो भी हो किस यहाँ पर ग्राउंड में जो बेच बनते हैं, बेच वाइज मैं आपको बताऊंगा। जो रिव्यू मैंने लिया है लगभग 5-6 दिन का रिकॉर्ड है मेरे पास में, कम से कम माना कि आपको 450 से 500 स्टूडेंट्स ने अपना रिव्यू भेजा है, अपने मार्क्स भेजे हैं, सॉरी अपने जो ग्राउंड का जो बच्चों का संख्या है वो भेजी है। तो उसका रिव्यू करके मैंने आपका एक आंकड़ा तैयार किया है, उसके अनुसार ग्राउंड नंबर 1 में
बैच बनता है 25 से 30 का, उसमें कभी कभार तो कोई फेल होता ही नहीं है और कभी कभार लगभग 1 से 3 तक या कभी कभी 3 से 4 तक भी फेल हो जाते हैं। ग्राउंड नंबर 2 में 4 से 6 तक लड़के फेल होते हैं, ग्राउंड नंबर 3 में 5 से 7 लड़के फेल होते हैं, ग्राउंड नंबर 4 में 7 से 10 लड़के फेल होते हैं, 5 नंबर ग्राउंड में 10 से 13 और 6 नंबर ग्राउंड में 14 से 16 लड़के फेल होते हैं, 7 नंबर ग्राउंड में 17 से 20 तक लड़के फेल हो जाते हैं और 8 नंबर ग्राउंड में सबसे ज़्यादा 20 से 25 तक लड़के फेल हो जाते हैं। ये एक एवरेज मैंने निकाला है, हालांकि ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, एक दिन की बात है जहां पर 45 में से 26 लड़के भी फेल हुए थे, मैक्सिमम ये है। तो टोटल मिलाकर मैं बात करता हूं तो एक ग्राउंड में पूरे दिन में लगभग 100 लड़के फेल हो जाते हैं। बात करता हूं प्रेजेंट कितने होते हैं, तो 500 की लिस्ट होती है, 500 में से 360 से लेके यहां पे 420 तक लड़के प्रेजेंट होते हैं। अब 360 तक भी कई ग्राउंड में यहां पे लड़के देखने को मिले हैं और 420 से ऊपर किसी में नहीं गए हैं, 100 लड़के फेल हो जाते हैं। लगभग मैं बात करता हूं यहां पे 280 के करीब करीब जो लड़के हैं क्वालिफाई रह जाते हैं, कई बार 300 भी ये मतलब आंकड़ा रह जाता है और कई बार 200 मतलब 60-70 तक भी पहुंच जाता है, 250 भी पहुंचा है एक ग्राउंड में, तो यहां पर वो एक लिमिटर है। तो बात करता हूं प्रेजेंटेशन की और क्वालिफाई होने की, तो यहां पर लगभग 60% के आसपास जो लड़के हैं क्वालिफाई होकर निकल पा रहे हैं, 500 में से 100 एब्सेंट रह जाते हैं, 100 फेल हो जाते हैं, तो 60% यहाँ पे बचता है। आगे मैं साथ में यहाँ पर बात करना चाहूंगा, तो वीडियो में मैं जब वजीराबाद ग्राउंड के पास जाता हूँ तो वहां पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो वहां पे आप लोग देखते हैं लड़के मार्क्स बताते हैं। जिन भी साथियों का अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, आगे उनका फिजिकल है और वो अगर स्टडी एट होम पे अपना रिव्यू देना चाहे तो आपको यहाँ पे राजूराम बिरला में राज सर आपको वहाँ पे ग्राउंड के सामने यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए मिल जाऊंगा। आप अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और बिल्कुल आप अपना रिव्यू है साथियों दे सकते हैं। तो वीडियो में मार्क्स जो लड़के बता रहे हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 80 लड़कों का रिव्यू था, वो मार्क्स वहाँ पे देखने को मिले थे कि 60 से कम कोई बता नहीं रहा है। पहली बात तो यह है जिनके नंबर 60 से कम है कोई भी व्यक्ति यहां पे वीडियो में नहीं आना चाहता है, पहला काम। दूसरा काम यह है कि जो मार्क्स बता रहे हैं उनमें से 80 में से लगभग 60 लड़कों ने स्कोर गलत बताया है, केवल 20 लड़के लगभग ऐसे लगभग बता रहा हूं जिन्होंने अपना रियल स्कोर बताया है। लड़के दूसरे लड़कों को डिमोटिवेट करने के लिए यहां पे हाई स्कोर बताते हैं। एक दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था 102 व्यक्तियों का, उसमें भी काफी मैं बता देना चाहता हूं लगभग मतलब कि 100 में से लगभग 25-30 लड़के हैं जिन्होंने रियल स्कोर बताया, बाकी लड़के यहां पे झूठ बोलते हैं, ज्यादा वाले कम बता रहे हैं कम वाले ज्यादा बता रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, हाँ हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि लड़के अलर्ट हैं और काफी होशियार लड़के हैं, हो सकता है अच्छा एग्जाम गया होगा, बाकी देखो कट ऑफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी ड्राइविंग टेस्ट में आपको पता है जैसे एक तरफ से आलू और दूसरी तरफ से सोना, यानी कि इस तरफ आलू डालो सोना निकालो, एक कहावत आपने सुनी होगी, उसी टाइप से जैसे फिजिकल में आपका रनिंग में फेल है तो बाहर है, जो लॉन्ग जंप में फेल है तो भी सीधा बाहर, आपके हाइट में फेल है तो भी बाहर है, या हाई जंप में फेल है तो भी बाहर है, जिस स्टेप में आप फेल होते हैं वहां से सीधा बाहर होते हैं। तो वही बात है, यानी आलू डाला सोना बना तो बना, नहीं तो सीधा बाहर आपको आलू जैसा ही आना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरा, मैं समझाना चाह रहा हूं ड्राइविंग टेस्ट में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे हिसाब से, बाकी जब आगे होगा तब पता चल जाएगा। आप अगर शुरू के स्टेप में कहीं फेल हो जाते हैं तो बाहर का रास्ता आपको दिखाया जा सकता है। आपको पता है SSC का जो नोटिफिकेशन था उसमें यहां पर LMV के 3 स्टेप है, हेवी के भी 3 स्टेप हैं, हर स्टेप को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, व्हीकल मेंटेनेंस इंटरव्यू के भी 2 स्टेप हैं, टोटल मिला के 8 स्टेप आपको क्वालिफाई करने हैं और 8 स्टेप में से अगर किसी भी स्टेप में आपके स्कोर में 50% से मार्क्स कम है तो आप सीधे बाहर है वो हो जाएंगे और आप फेल समझे जाएंगे, डिसक्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। तो ड्राइविंग टेस्ट में यहाँ पर काफ़ी समस्या आने वाली है। हाल ही में एग्जाम्पल बताता हूं, मैं ASC में एक टेस्ट हुआ था जिसमें 51 लड़के यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, 51 में से मात्र 7 लड़के पास हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर ऐसा ही ड्राइविंग टेस्ट हुआ तो आपका भी यहां पर काफी दुविधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ सकती है। बाकी मैं बात करता हूं ड्राइविंग टेस्ट की, तो ड्राइविंग टेस्ट यहां पे लगभग जो गुप्त सूत्र है वहां से मेरी सूचना के अनुसार अभी हाल फिलहाल में कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं आ पा रही है और सुनने में ये आ रहा है कि 28 तारीख को फिजिकल हो जाएगा, तो इसका फिजिकल का रिजल्ट हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है, जैसे कि रनिंग है चिप के माध्यम से रिकॉर्ड बन रहा है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, चेस्ट है, हाइट है,
क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई की लिस्ट तुरंत तैयार हो जाती है, तो रिजल्ट में ज्यादा दिक्कत है या ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फिर बात करता हूं मैं यहां पर ड्राइविंग टेस्ट की, तो ड्राइविंग टेस्ट का कयास है वो 20 मई से लेकर 5 जून के बीच में कभी भी आपका स्टार्ट है, करवाया जा सकता है, ऐसी थोड़ी सी सूचना मुझे मिली है। कंफर्म नहीं कह सकता, ये एक सूत्र से मिली जानकारी वही मैं शेयर कर रहा हूं, यानी कि 20 मई से लेकर 5 जून के बीच में आपका ड्राइविंग टेस्ट है उसका मतलब शेड्यूल फिक्स हो सकता है और वहां पर आपका ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हो सकता है। बात करता हूं मैं बेस्ट ड्राइविंग स्कूल की, तो यहां पर जो बेस्ट ड्राइविंग स्कूल की बात करता हूं भारत में, आप YouTube के इतिहास में सर्च कर लेना, YouTube पे सर्च करना, कोई भी एग्जाम हो, ड्राइवर का रिटन एग्जाम हो या लिखित परीक्षा हो, जो मैं बात करता हूं, सबसे पुराना जो वीडियो मिलता है वो स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल का मिलता है। स्टडी एट होम का जो YouTube चैनल है उसको भी आप देख लेना और चैनल पे विजिट करना, और ड्राइविंग के मामले में सबसे पुराना वीडियो किसका मिलता है आप ये सर्च कर लेना, तो सबसे पुराना वीडियो आपको स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल का जो है वीडियो पुराना मिलेगा आपको। सबसे पहले तैयारी करवाना किसने शुरुआत की थी ड्राइविंग के मामले में, राज सर ने करवाई थी, मैंने करवाई थी, क्योंकि मुझे पता उस समय YouTube पे कोई भी ड्राइवर के मामले में वीडियो देखने को ढूंढने को नहीं मिलता था, उस समय से आप तैयारी करवा रहे हैं तो एक्सपीरियंस आपको पता काम आता है, हर भर्ती में एक्सपीरियंस झलकता है, और हर वैकेंसी के बारे में न्यूज देना मैंने यहां पे शुरू किया था, लोगों को यहां पर ड्राइवर के बारे में पता चला था। अगर यह हकीकत नहीं तो आप ड्राइवर के मामले में ड्राइवर का ओल्डेस्ट वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, सबसे जो पुराना वीडियो होगा वो आपको यहां पे शो हो जाएगा। कोई भी आपको लगता है कि फलाना वो YouTube सबसे पुराना, तो उसका आप देखना, सबसे पुराना वीडियो आपको स्टडी एट होम का यहां पे ड्राइवर की लिखित परीक्षा के मामले में आपको देखने को मिलेगा। वो सबसे पहले शुरुआत राज सर ने यहां पे ड्राइविंग के क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत हमने वो करी थी। इसके अलावा बेस्ट ड्राइविंग स्कूल की बात करता हूं तो स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल है, यहां पर आप विजिट कर सकते हैं और साथ ही यहां पर आप ड्राइविंग और सीख सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए सटीक जो ऑप्टिकल्स जो व्हीकल आपको यहां पे दिल्ली पुलिस में मिलने वाले हैं उन्हीं व्हीकल्स के द्वारा, आपको मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था जिसमें दिल्ली पुलिस के पास में जैसे कि बोलेरो है, आपके बोलेरो SLX है, आपके टाटा 407 है, टाटा की बस भी है, एसमोडल ट्रक है, जो व्हीकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको मिलने वाले हैं या जो दिल्ली पुलिस के पास में हाल में जो व्हीकल है वही व्हीकल स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आपको मिलेंगे, और ट्रेक इतने शानदार है आपके कोई पैसा नहीं लगता, आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में विजिट करके आप जरूर देखें, देखोगे तो देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी मैं कहना चाहूंगा आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप आइए देखिए, देखने का और समझने का सोचने का कोई पैसा नहीं है, आप बिल्कुल आके आप देख सकते हैं विजिट कर सकते हैं। शानदार हमारे जो ट्रेनर सर जो भी है, हमारे जो योगेश जी ट्रेनर सर है, योगेंद्र जी सॉरी, और एक जो मैं हूं, हमारे पास में कोई भी बंदा अगर 2 से 3 दिन ड्राइविंग सीख लेता, 2 से 3 दिन मात्र, वो किसी भी ऑप्टिकल पे फेल नहीं होता, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मात्र 2 से 3 दिन हम उनके पास में है, बैठते हैं और ऑप्टिकल की जो स्ट्रेटेजी होती है, ऑप्टिकल्स की जो स्किल होती है, यहां पर आपको 1 महीने तक रुकने की आवश्यकता नहीं होती, हम सटीक तरीके से आपको सिखा देते हैं, आप बाद में अपने आप गाड़ी चलाते हैं, ये हमारा वादा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारी जो फीस है, अभी हमने जो 12,000 फीस थी हमारी एक कोर्स की, वो कोर्स की फीस को हमने 15% डिस्काउंट अभी दिया है, ये 40 लड़कों तक सीमित रहेगा, यहां पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 12,000 का जो कोर्स है वो आपको अब केवल 10,000 में मिलता है, तो आप स्टडी एट होम में इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों दूसरा ऑफर ये है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें आप ऐड हो जाइए, प्रति 100 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट को फ्री ड्राइविंग टेस्ट यहां पर देने का यहां पर मौका मिलता है, अवसर मिलता है। अभी लगभग 100 लड़के होने वाले हैं, तो मैं एक कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट अभी करने वाला हूं, वो लड़का यहां पर आकर ड्राइविंग कोर्स है उसमें टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। बात करता हूं मैं व्हीकल की, तो व्हीकल कंप्लीटली हमारे पास में मौजूद है। ऑप्टिकल्स की बात करता हूं, जो ऑप्टिकल देखो कोई भी भर्ती हो उसमें एक चीज आप मान के चलना, एक कैरवा मोड का ऑप्टिकल होता है, एक 90 डिग्री पे मोड का ऑप्टिकल होता है, जिसे मैं बात करता हूं 8 और जिगजैग या एस, इनमें से एक ऑप्टिकल आपको कम से कम यहां पे करवाया जाएगा, जेड और आपका एच ऑप्टिकल जो होता है इसमें से एक आपको करवाया जाएगा, एक आपकी अलग से पार्किंग होगी जो कि स्पेशली यहाँ पे पैरेलल या सीरीज जो भी पार्किंग होती है वो आपसे करवाई जा सकती है या एंगुलर पार्किंग भी हो सकती है। तो ये तीन चीजें आपको करवाने वाले हैं और परफेक्टली ये तीनों चीजें हमें एकदम परफेक्ट तरीके से करवाते हैं, तो आप जरूर विजिट करें। कोई भी कितना भी नया कैंडिडेट हो हमसे 5 से 7 दिन अगर ट्रेनिंग ले लेता है, 5 से 7 दिन, मैं महीने भर का नहीं कहता हूँ, 5 से 7 दिन में
वो व्यक्ति परफेक्ट तरीके से ड्राइवर बन जाता है, उसके बाद वो अपने आप गाड़ी चलाता है और उसका कॉन्फिडेंस हाई होता जाता है और परफेक्ट गाड़ी वो चलाना सीख जाता है। यहां पर आपको एक महीने दो महीने गारंटी बेच में उलझने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो कोर्स हमारा है ये मात्र अभी 10,000 रुपए का। तो जो भी साथी ड्राइविंग सीखना चाहता है हमारे पास में विजिट जरूर कर सकता है। नाम है स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल, अटेली मंडी, महेंद्रगढ़, हरियाणा, नारनौल से रेवाड़ी जो रोड है वहां पे हमारा सेंटर स्थित है। प्रॉपर अटेली मंडी जो है वहां पे एक रोहितास कॉलेज नाम से स्थान है, वहां पर हमारा जो ड्राइविंग सेंटर है वो रन कर रहे हैं। शानदार तरीके से और एकदम स्पेशली प्रशिक्षित जो ट्रेनर होते हैं उनके माध्यम से हम ड्राइविंग करवाते हैं। हम वादा करते हैं जो हमारे पास में ट्रेनिंग लेता है वो 3-4 दिन अगर हमारे पास में ट्रेनिंग ले लेता है तो उसके बाद में लगभग व्यक्तियों के जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, वो अपने आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। यही हमारी स्किल है कि हम 5-7 दिन में कंप्लीटली गाड़ी सिखाने का वादा करते हैं। यहां पर महीने की 20 दिन की रुकने की आवश्यकता यहां पे नहीं होती है। जो बाकी का टाइम होता है वो आप अपने आप चला के एक्सपीरियंस को बढ़ाने में काम में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक महीना हमारे बताने से करोगे तो फिर आप अपना अनुभव है वो कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, कोई आवश्यकता नहीं है महीने महीने दो दो महीने करने की। यहां पे 5-7 दिन हमारे पास में रुक के देखिए, आपको यहां पे हमारा जो मेहनत है हमारा जो संघर्ष है आपको दिखेगा। मैं वादा करता हूं कोई भी व्यक्ति चाहे बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं जानता है वो भी परफेक्ट ड्राइवर मात्र 5-7 दिन में बन सकता है। हालांकि ये चीजें 100 में से लगभग 90-92 लोगों पर ही लागू होती है, कुछ लड़के ज्यादा पिछड़े होते हैं तो उनका मैं यहाँ पर उनसे मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा। ऐसे 5-7 लड़के 100 में से आप देखेंगे तो मिल जाते हैं जो थोड़ा सा इसमें डीपली मतलब कि उनको दिक्कतें होती है, तो उनको स्पेशली अलग से यहाँ पर हम ट्रेंड करते हैं शुरू में स्टार्टिंग में उनको नंबर ऑफ राउंड्स जो होते हैं टाइम जो गाड़ी का होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको देते हैं, जिसकी वजह से वो भी जल्दी अपने फ्लो में आ जाते हैं और बाकी जो सीखे हुए लड़के हैं उनके साथ में वो गाड़ी वो सीखते जाते हैं और अपना जो नॉलेज वो बढ़ाते जाते हैं। बात करते हैं व्हीकल मेंटेनेंस इंटरव्यू की, तो शानदार तरीके से यहां पे हम क्लासें लगभग सप्ताह में 4 दिन क्लासें हम लेते हैं। हालांकि जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे लगभग 6 सप्ताह में 6 दिन क्लासें चलती है, 7वें दिन टेस्ट होता है, तो क्लासों की कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट तरीके से आप ड्राइविंग के साथ साथ व्हीकल मेंटेनेंस की और इंटरव्यू की तैयारी वो भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप जुड़ सकते हैं स्टडी एट होम परिवार के साथ में, जो नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी लिंक जैसे कि फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है, जो मेरे प्रिय साथी हैं उनसे निवेदन है आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो करें, साथ ही फेसबुक का जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया, नॉलेज आपको अगर सही लगी तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर कमेंट है वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपका हो जो हमें लड़कों से पूछना चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं उस सवाल को लड़कों से वजीराबाद ग्राउंड के सामने खड़े होकर वहां पूछूंगा तो आप भी उस सवाल का जवाब जान पाएंगे। कोई भी सवाल हो जेन्युइन जो सवाल होना चाहिए उसका जवाब मैं ले सकता हूं और आप तक पहुंचा सकता हूं, यही मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं। दोपहर की गर्मी में धूप में लड़कों के सामने खड़ा होकर रियल में जो इंटरव्यू होता है वो लेने का मैं प्रयास करता हूं। और हालांकि देखो यहां पे स्टूडेंट्स के पास में सटीक जानकारी पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे, इसके पूरे पूरे प्रयास हम स्टडी एट होम टीम करती है और इस टीम के प्रयासों को आपने काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये स्टडी एट होम हमारी नहीं आपकी अपनी टीम है, तो इसको ऊंचाइयों तक लाने के लिए आप सबका हाथ है, तो इसके लिए आप सभी को बधाई दोस्तों, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।